प्यारी साध संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद। साध संगत जी आजकल आप देख रहे हैं दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, एक बटन दबाने से अपने किसी गैजेट पे इतने ऐप्स खुल जाते हैं और एक ऐप का कोई कोड भर दो या कोई कमांड दे दो, उसके बाद जो हमें पता करना है हम पता कर सकते हैं। साथ संगत जी दुनियावी तरीकों से तो ये तरक्की बहुत अच्छी है, पर ये अगर आपसी रिश्तों में या भक्ति के रास्ते में आ जाए तो इसका हमें परेशान भी कर सकती है और इसका नुकसान भी हो सकता है। साथ संगत जी कुछ दिन पहले बाबा बुल्ले शाह जी की कुछ लाइन्स पढ़ने को मिली, वो बाज़ार में एक दूध की दुकान के आगे खड़े होते हैं, वहाँ एक नौजवान ग्वालन दूध बेच रही होती है और जो भी दूध लेने आता है उसके पूरे पैसे गिन के उसको अपने गले में डाल के फिर उन पैसों के हिसाब से उन सबको दूध देती है। साथ संगत जी इतने में एक नौजवान लड़का आता है और उसको पैसे पकड़ाता है, मैं गिनती भी नहीं और ऐसे ही अपने गले में डाल देती है और उसका बर्तन पूरा दूध से भर के उसको दे देती है। बाबा बुल्ले शाह जी जब ये देखते हैं तो उसको पूछते हैं कि इसके साथ ऐसे क्यों, आगे से वो जवाब देती है, मोहब्बत में हिसाब किताब नहीं होता। साथ संगत जी वो तो एक इंसान की मोहब्बत में हिसाब किताब कुछ भी उसे नहीं कर सकती थी, पर हम घड़ी देख के अक्सर सिमरन कर लेते हैं और कह देते हैं हमने हफ्ते में 2 या 3 संगत कर ली तो बस हो गई। साथ संगत जी कई बार तो गिले शिकवे पे भी उतर आते हैं इस निरंकार से कि हमने इतनी संगतें भी कर ली, इतना सिमरन भी कर लिया, महापुरुषों को भी घर बुला के प्रसाद खिला दिया, भवन पे सेवा भी कर ली, पर फिर भी इस जिस काम को हमने अकॉर्डिंग अपने चाहा वो नहीं हुआ। साथ संगत जी ये तो निरंकार को पता है, पर इस निरंकार के आशीर्वाद से जो इस निरंकार प्रभु परमात्मा के हमें दर्शन हो गए हैं, क्या ये इतना ही एहसान हमारे पे कम नहीं है। साथ संगत जी बाबा जी से भी आपने सुना, अगर हमने मिल बैठ के एक समय तय कर लिया है घर में सिमरन करने का, इसका ये मतलब नहीं कि हमने बस उतना ही सिमरन करना है और बाकी के समय इस निरंकार प्रभु परमात्मा को याद नहीं करना। हमें तो हर पल इसका ध्यान करना है। साथ संगत जी हर देववाणी में भी बाबा जी ने फरमाया कि कोई भी वेशभूषा हो, कोई भी जरिया हो, कोई भी स्थान हो, हमने सिमरन करना है, क्योंकि सिमरन तो बस सिमरन ही है। साथ संगत जी इस दुनिया में हमने एक संत की तरह जीना है, ना कि दुनिया की तरह दुनियावी तरीके से अपनी भक्ति करनी है। साथ संगत जी प्यार से कहना था।